नमस्कार दोस्तों, एक हमारे मित्र द्वारा एक घटना जो हमें बताई गई थी उसे मैं शेयर कर रहा हूँ। उनके अनुसार वह अपने दादाजी के साथ एक घटी घटना के बारे में बता रहे हैं। मेरे दादाजी काफी पढ़े लिखे थे और वह एक सरकारी नौकरी किया करते थे। यह वह समय था जब परिवार में शादियां काफी कम उम्र में हो जाया करती थी, इसलिए मैं काफी छोटा था। उसके बाद भी मेरे दादाजी की नौकरी लगभग 10 वर्ष की थी, अर्थात उस वक्त मेरे दादाजी लगभग 50 वर्ष की उम्र के रहे होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दादाजी ने गांव में रहकर ही 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी। हमारा परिवार एक किसान परिवार था, इस वजह से दादाजी हमेशा खेती में अपने पिताजी का सहयोग किया करते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी नौकरी लग गई थी और नौकरी लगते लगते ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। सरकारी नौकरी थी इसलिए घर से बाहर ही रहना होता था और दादाजी का गाँव में जाना लगभग साल में 1 या 2 बार ही होता था। लेकिन उसके बाद भी जब भी गाँव जाया करते थे तो खेती के कार्यों में अपने पापा जी की मदद किया करते थे, परिवार की मदद किया करते थे। एक बार घर की एक भैंस गलती से खुल गई और वह जंगल की ओर चली गई, अर्थात खेतों की ओर चली। दादाजी उस वक्त घर पर ही थे तो जैसे ही पता चला कि भैंस खेतों की ओर चली गई है तो वह उसे लेने के लिए खेतों की ओर चले गए। वह उसे खेतों के तो जाकर ढूंढ रहे थे, तभी तभी उन्होंने देखा कि गांव के रास्ते पर एक कुआं है। एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए उसकी मुनेर पर बैठा हुआ है। वह जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो उस व्यक्ति ने इशारा करके बताया कि उनकी भैंस दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गई। दादाजी दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए और आगे चलकर उन्होंने अपनी भैंस को एक खेत के किनारे पा लिया। वह उसे पकड़कर वापस उसी जगह ले आए और उन्होंने सोचा क्यों ना जो व्यक्ति कुएं के किनारे बैठा हुआ है उसके पास बैठकर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, क्योंकि वह थक गए थे, और एक बीड़ी पी ली जाए। वह व्यक्ति उन्हें मुंडेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे तो वह व्यक्ति अचानक से उनके सामने सामने ही गायब हो गया। उन्होंने कुएं के आसपास घूमकर उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। वह हैरान रह गए और भैंस को वापस लेकर आने लगे। दादाजी को लगा कि वह व्यक्ति कहीं चला गया होगा। वह आगे बढ़ गए और गांव के ही दो व्यक्ति उन्हें सामने से आते हुए नजर आए तो उन्होंने उस व्यक्ति की चर्चा उनसे, क्योंकि वह व्यक्ति गांव के ही रहने वाले थे, गांव में ही रह रहे थे और दादा कभी कभी गांव आया करते थे, तो उन लोगों ने बताया कि वह तो राममोहन के दामाद का भूत है जिसने इसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वह आज भी इस कुएं पर रहता है और आने जाने वालों की मदद करता है। तो यह थी एक कहानी, एक सच्चा एक्सपीरियंस जो कि हमारे एक मित्र द्वारा हमें भेजा गया है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मजेदार कहानी या अनुभव है तो आप हमें हमारी ईमेल जो कि स्क्रीन पर नजर आ रही है उस पर हमें जरूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।